हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब? मंजू यादव घर में आप सबका स्वागत है। देखिए अभी अभी बजने सुबह के 6 और मैं जग चुकी हूँ और ये सब सोए हुए हैं। अभी दोनों बच्चे सोए हुए हैं और भाती जी भी सोए हुए हैं। तो आज है पूर्णमासी, पूर्णमासी नहीं है, आज दिन सोमवार है और तारीख 7 नवंबर है। तो पूर्णमासी तो वैसे 8 तारीख की है, लेकिन 8 तारीख का ग्रहण है, इसलिए व्रत जो है 7 तारीख का कर दिया गया है। तो यानी 7 नवंबर का व्रत सत्यनारायण का, पूजा सत्यनारायण की आज ही होगी। जैसे पूर्णमासी कल है तो पूर्णमासी को ग्रहण पड़ा, इसलिए ग्रहण में व्रत नहीं रख सकती। तो इसलिए आज व्रत आज कर दिया और मैं रखती हूँ व्रत। मैं करूँगी सत्यनारायण भगवान की पूजा। और अभी क्या ना, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बादल बारिश होने वाली है, क्योंकि बादल हो रहा है बहुत ज़्यादा उभर के। तो मैं दिखाऊँ आपको बाहर, ऐसा लग रहा है कि मौसम बाहर, और वैसे भी नवंबर चल रहा है तो ठंड तो वैसे ही बढ़ेगी, क्योंकि तब से ठंड यहाँ नहीं थी, अब ठंड हो रही है, बढ़ती जा रही है ठंड। इतनी भी ज़्यादा नहीं हुई अभी, लेकिन हो रही है। तो बस मैं ये कह रही थी, और मैं पी रही हूँ अभी पानी जो कि गर्म है, क्योंकि मैं गर्म पानी इसलिए पीती हूँ। सुबह मैं शुरू से ही गर्म पानी पिया, चाय कभी पी नहीं है। जैसे कि हम लोग गांव वगैरह चले जाते थे तो वहाँ चाय पी लेते हैं, अपनी यात्रा में पानी पीना पसंद करती हूँ सुबह, तो इसलिए मैं गर्म पानी ही पीती हूँ। सुबह उठते ही गर्म पानी पीती हूँ, उसके बाद कुछ काम करती हूँ। तो आइए आप भी पी लीजिए मेरे साथ पानी। बस तो फ्रेंड्स, आज थी पूर्णमासी और मैंने पूर्णमासी का व्रत रखा था। सत्यनारायण भगवान का करती हूँ। अभी चंद्रमा निकला नहीं है, शाम हो गई वैसे तो, और साथ साथ आज दीपदान भी है, जो दीपदान करते हैं नदी में, गंगा में, तालाब में, कहीं पर भी कर सकते हो आप। तो मैंने कुछ दिए बना के रख लिए हैं, जो कि मैं यहाँ पे एक ताल है वहाँ जाऊँगी करने के लिए। आपको दिख रहे हो तो ये बस आने का इनका इंतज़ार है, ये आ जाए तो फिर मैं जाऊँगी। बना के रख लिए मैंने। दीपदान करना अच्छा होता है कार्तिक के महीने में, खास करके पूर्णमासी को। तो हम लोग वहाँ के लिए रेडी हो रहे हैं। बाकी घर पे अभी तुलसी के पास रखना चाहिए, पीपल के पास रखना चाहिए, और मतलब कुआ पे ऐसे रखते हैं लोग। तो फिर मैंने कहा हम भी रखाते हैं वहाँ पे, क्योंकि लास्ट ईयर तो हम जा नहीं पाए थे, क्योंकि हमारा जय उस समय 10 दिन का था, तो मैं गई नहीं थी लास्ट ईयर, तो जा नहीं पाई थी इसलिए। मतलब 10 दिन का मतलब 10 डेज जय, तो इसलिए मैं इस बार जाऊंगी। तो आपको भी दिखाऊंगी कि कैसे करते हैं वहाँ पर दीपदान, और करने चाहिए, सबको करने चाहिए। तो वहाँ के लिए हम रेडी हैं, बस इंतजार है। तो पतिदेव जी का आने का इंतजार हो रहा है, बस वो आ जाए फिर हम लोग चलते हैं, और आपको भी ले चलेंगे साथ में, और दिखाते हैं हम कहाँ जाएंगे, किस तालाब पर जाएंगे करने के लिए। तो बस, और मैंने अभी घर पर पूजा संध्या कर दी है अपनी, संध्या मैंने शाम को कर चुकी हूँ। अभी तुलसी के पास रखना बाकी रह गया है, संध्या तो हो चुकी है मेरी, देखो बस तुलसी के पास मैं एक दिया रखी हूँ, पीपल के पास रखा हूँ, तब तक के लिए।